सभी भाइयों को हर हर महादेव। आपका भाई फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में, और आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट कार्ड्स अंडर 5 लाख रुपीस। क्योंकि ये जो प्राइस सेगमेंट है ना, इसके अंदर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है, बट डोंट वरी, आपका भाई आपको बताएगा बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं दी लेजेंड कार हुंडई सेंट्रो के बारे में। सेंट्रो को फर्स्ट टाइम इंडियन मार्केट में 1998 के अंदर लॉन्च किया गया था, और 2018 के अंदर इसे एक न्यू अपडेट मिला। यानी पिछले 23 सालों से सेंट्रो इंडियन मार्केट के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। वहीं अगर इसके एक शोरूम प्राइस की बात की जाए तो 4,90,000 से लेके 6,42,000 तक इसकी एक शोरूम प्राइस जाती है। सेंट्रो के अंदर आपको 1100 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। वहीं अगर आप कंपटीशन में देखते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 800 सीसी या 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, और वो भी आपको मिलता है 3 सिलेंडर। लेकिन सेंट्रो के अंदर आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि रिफाइनमेंट के मामले में दूसरों से काफी हद तक बेटर है। अब जी बात करते हैं इसके वेरिएंट्स के बारे में। तो पेट्रोल के अंदर आपको 4 वेरिएंट ऑफर किए जाते हैं, एरा जो कि बेस वेरिएंट है, फिर आता है मेगना, स्पोर्ट्स एंड एस्टा। अगर सीएनजी की बात करें तो सीएनजी के अंदर आपको सिर्फ 2 वेरिएंट ऑफर किए जाते हैं, मेगना एंड स्पोर्ट्स, जिसकी एक शोरूम प्राइस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेंट्रो के अंदर आपको एएमटी का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर दिया गया है। इसी के साथ अगर हम लोग माइलेज की बात करें तो पेट्रोल के अंदर आपको 20 KMPL का माइलेज मिल जाता है, वहीं सीएनजी के अंदर आपको 30 KMPL तक का माइलेज भी मिल जाता है। अगर हम लोग इसके सेफ्टी की बात की जाए तो सेंट्रो को ग्लोबल एनकैप के अंदर 2-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। वहीं अगर फीचर्स की बात करें तो यहां पर आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं, रियर में आपको कैमरा अवेलेबल रहता है, ऑल 4 पावर विंडो मिल जाती है, 7 इंचेस का टच इंफोटेनमेंट आपको मिल जाता है, एंड इसी के साथ ही कीलेस एंट्री, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे अच्छे फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, और 14 इंचेस यानी 14 इंच का आपको टायर मिल जाता है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट कार पे। तो अंडर 5 लाख आप एक SUV फील चाहते हैं तो एस्प्रेसो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। एस्प्रेसो को 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था, और अगर इसकी एक शोरूम प्राइस की मैं बात करूं तो 3,99,000 से लेके 5,64,000 तक इसकी एक शोरूम प्राइस जाती है। इसी के साथ ही आपको एस्प्रेसो के अंदर 1000 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। एस्प्रेसो आपको सीएनजी में भी मिल जाती है। पेट्रोल में आपको 4 वेरिएंट मिल जाते हैं, एसटीडी ऑप्शनल, LXI ऑप्शनल, VXI ऑप्शनल एंड VXI प्लस। वहीं अगर हम लोग CNG में बात करें तो CNG के अंदर आपको सिर्फ 2 वेरिएंट ऑफर किए जाते हैं, जो कि है LXI ऑप्शनल एंड VXI ऑप्शनल। एस्प्रेसो में आपको AMT का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि मिलता है आपको VXI ऑप्शनल एंड VXI प्लस के अंदर। अगर माइलेज की बात की जाए तो मैनुअल और AMT दोनों के अंदर आपको 21 KMPL का माइलेज मिल जाता है, एंड CNG के अंदर आपको 31 KMPL तक का भी माइलेज मिल जाता है। अगर फीचर्स की बात की जाए तो आपको 14 इंचेस का टायर मिल जाता है 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में, और आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं, 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं, और जो पावर विंडो है वो आपको फ्रंट में मिलती है लेकिन रियर के अंदर आपको अवेलेबल नहीं रहती है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कम्प्लीटली डिजिटल में देखने को मिलता है, टच इंफोटेनमेंट आपको अवेलेबल रहता है, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर ही दूंगा। ओके, सो आर नेक्स्ट कार इज अल्टो 800। जब भी हम किसी न्यू कार के लिए प्लान करते हैं तो उसकी रीसेल प्राइस के बारे में ज़रूर सोचते हैं। अगर रीसेल की बात की जाए तो अल्टो अब भी नंबर 1 पे है। ईयर 2000 के अंदर अल्टो को फर्स्ट टाइम इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था, और इसकी अगर एक शोरूम प्राइस की मैं बात करूं तो 3,39,000 से लेके 5,03,000 तक इसकी एक शोरूम प्राइस जाती है। अल्टो के अंदर आपको 800 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। इसके अंदर आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, AMT का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अगर मैं पेट्रोल में बात करूं तो पेट्रोल के अंदर आपको 4 वेरिएंट मिल जाते हैं, एसटीडी ऑप्शनल, LXI ऑप्शनल, VXI ऑप्शनल एंड VXI प्लस। वहीं सीएनजी के अंदर आपको सिर्फ 1 वेरिएंट ऑफर किया जाता है, LXI ऑप्शनल। अगर माइलेज की हम लोग बात करें तो पेट्रोल के अंदर आपको 22 KMPL का माइलेज, और सीएनजी के अंदर आपको 31 KMPL का माइलेज भी मिल जाता है। अब अगर इसके कुछ की फीचर्स की बात की जाए तो आपको 12 इंच का टायर मिल जाता है, ड्यूल टोन इंटीरियर ऑफर किया गया है, 2 एयरबैग मिल जाते हैं, 2 फ्रंट के अंदर आपको पावर विंडो मिल जाती है, एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यू अल्टो 800 इज लाइकली टू बी लॉन्च्ड दिस ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। तो न्यू अल्टो के लिए आप वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कार इज डैटसन रेडिगो। डैटसन इस सेगमेंट के अंदर एक ऑप्शन जरूर था, लेकिन कंपनी ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दिया है, और अगर हम इसके 2 वेरिएंट की बात करें, गो एंड गो प्लस की, तो वो काफी टाइम से प्रोडक्शन से आउट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम इस गाड़ी के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं। तो मूव करते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है रेनॉल्ट क्विड। ये कार यंग जनरेशन में काफी ज्यादा पॉपुलर है। उसका सिंपल सा रीजन है इसका डिजाइन।
अगर आप क्विट का डिजाइन देखते हैं तो काफी ज्यादा मस्कुलर, एक स्पोर्टी एंड स्टाइलिश डिजाइन आपको देखने को मिलता है। इसकी एक शोरूम प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 4,62,000 से लेके 5,99,000 तक इसकी एक शोरूम प्राइस जाती है। रेनो की क्विट के अंदर आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला आपको मिलता है 800 सीसी का पेट्रोल इंजन और दूसरा आपको मिलता है 1,000 सीसी का पेट्रोल इंजन। और अगर मैं AMT ट्रांसमिशन की बात करूं तो AMT ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ 1,000 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ में ऑफर किया जाता है। क्विड इस सेगमेंट की एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर आपको कंप्लीट LED DRL ऑफर किए जाते हैं LED टेल लैंप्स के साथ में। अगर आप इसका फ्रंट देखते हैं तो दिस कार्स फ्रंट इज क्वाइट सिमिलर टू रेनॉल्ट की काइगर। रेनॉल्ट काइगर और क्विड का जो फ्रंट लुक है काफी हद तक आपको सिमिलर देखने को मिलता है, जो इसके टेल लाइट्स है, जो हेडलाइट्स है। इसी के साथ ही अगर हम लोग सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल एनकैप के अंदर इस गाड़ी को 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो आपको 13 इंचेस का टायर मिलता है, ड्यूल टोन इंटीरियर ऑफर किया जाता है, 2 एयरबैग मिल जाते हैं, 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं, रियर के अंदर आपको कैमरा मिल जाता है, 8 इंचेस का आपको कंप्लीट टच स्क्रीन ऑफर किया जाता है और ये सब कुछ आपको रेनॉल्ट की काइगर के अंदर मिल जाता है। तो ये कुछ थी आज की वीडियो। विच कार यू लाइक द मोस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो प्लीज आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच।